श्रीलंका अपने इतिहास के सब तो माड़े आर्थिक दौर के लंघ रहा है, पर जो दो हफ्ते पहला होया वो श्रीलंका के इतिहास के हमेशा याद रखा जाएगा। दो हफ्ते पहला जो कुछ श्रीलंका के होया इसकी नींह तो कई महीने पहला ही रखी जा चुकी थी, पर इस चीज की तो किसी ने भी कल्पना नहीं की कि नाराज हुए लोग राष्ट्रपति भवन के प्रधानमंत्री के निजी निवास के जाके वड़नगे, उत्थे भन तोड़ करनगे ते बाद दे विच उसनू अग लगा देणगे। उस दिन श्रीलंका के आम लोगों ने यह जाणिया कि श्रीलंका का राष्ट्रपति किस तरह रहिंदा है ते उसनू किहड़ियां किहड़ियां सहूलत मिलती हैं। श्रीलंका के इतिहास के पहली बार होया है कि सरकार से उसकी नीतियों तो नाराज हुए लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कल्ले राष्ट्रपति भवन ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के हर एक हिस्से को देखा, हर एक कमरे के दाखिल हुए। कुछ घंटे पहला जो राष्ट्रपति भवन बॉडीगार्ड्स और अंग रक्षक भरिया पिया उन्होंने हर एक चीज से निगरानी से कुछ ही घंटिया बाद आम लोगों के कब्जे में सी। इस दिन ही प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री राजीव विक्रम सिंघा के निवास स्थान भी अद्धी रात को अग लगा दी। प्रधानमंत्री का यह निवास स्थान कोलंबो शांत इलाके दे विच है, श्रीलंका के सब तो पोश इलाकों के विचों एक गिणिया जाता है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रणदीप विक्रम सिंघे उन्होंने पत्नी के बच्चे एक दिन पहला ही इस घर के मौजूद सन, पर शुक्रवार शाम को ही उन्होंने परिवार और स्टाफ के अधिकारियों को एक सुरक्षित जगह के उत्ते भेज दिया गया। जब प्रदर्शनकारियों ने उन्होंने घर पर हमला किया तो उन्होंने घर के अंदर एक BMW कार और होर भी कई साधन मौजूद सन। प्रदर्शनकारियों ने इन सारिया चीजों को अग लगा दी। इस अग के श्रीलंका के प्रधानमंत्री का सारा घर सड़ के सुआह हो गया, अंदरला सारा समान भी जल गया। श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों शामिल बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि उस दिन जो कुछ भी होया उस श्रीलंका के एक नवे युग की शुरुआत हुई है। श्रीलंका के उस दिन जो कुछ होया वह तो एक इतिहास बन गया, पर श्रीलंका सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी कई महीने पहला तो ही चलती आ रही थी। इस तो पहला अप्रैल महीने के भी श्रीलंका के प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा आक्रामक हो गए सन। उस समय श्रीलंका के एमरजेंसी लगा दी गई थी। उस समय प्रदर्शनकारियों की मुख्य मंग यह थी कि उस समय के मौजूद राष्ट्रपति अस्तीफा देन, पर अप्रैल के आखिर उतों के प्रधानमंत्री महिंद्रा राज पछमी ने अस्तीफा दे दिता। उस तो बाद रणदीप विक्रम सिंघे उतों के प्रधानमंत्री बनाए गए, पर जो ये सारा घटनाक्रम होया उस तो बाद उन्होंने भी घोषणा कर दी कि वह भी अस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने ट्वीट करके दसिया कि वह सर्वदल सांझी एक नवी पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिस श्रीलंका के हरेक नागरिक की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाएगा, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है। 225 करोड़ की आबादी वाला यह देश 1948 जो तो इस आजादी मिली है उस तो बाद अज तक के सब तो वे आर्थिक संकट को झल रहा है। खाने के समान और ईंधन की भारी कमी के कारण पिछले एक महीने तो लोग सड़कों के उत्ते आके सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस के नाल भी कई झड़पा हुई। महिंद्रा राज पछमी प्रधानमंत्री के अस्तीफे तो बाद उन्होंने समर्थक और प्रदर्शनकारियों के विचकार भी झड़प हुई थी, जिस दे विच 8 लोगों की मौत हो गई थी। श्रीलंका की सरकार पेट्रोल डीजल और होर जरूरी चीजों का आयात नहीं कर पा रही क्योंकि उतों का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है। श्रीलंका के लोगों को हुण घंटिया बद्धी बिजली के कट्टों का सामना करना पै रहा है। उत्थे लगातार 13-13 घंटे बिजली के कट लगते हैं। मध्य वर्गी गरीब लोग खाने की कमी और उस दी वध रही कीमतों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। इतों की करंसी बुरी तरह के डिग चुकी है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाल इन्हां दी गलबात शुरू हो चुकी है। हुण सवाल यह उठता है कि श्रीलंका अजिहे हालातों के पहुंचा किवें। कुछ का कहना है कि सरकार के कोल आर्थिक मैनेजमेंट ना होने के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। 2019 एशियन बैंकिंग डिवेलपमेंट वर्किंग पेपर के अनुसार श्रीलंका हुण दुगुणे घाटे वाली अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब यह होंदा है कि इस देश का राष्ट्रीय खर्च इतों की आमदन के नालों दुगुना है। श्रीलंका के संकट इस करके भी आया है क्योंकि इतों की सरकार नागरिकों को बहुत ज्यादा मुफ्त सहूलत देने लगी थी, उन्होंने टैक्सों के भी कटौती कर लगी थी। 2019 राज पछमी जिहड़े कि इतों के प्रधानमंत्री सन अपनी सरकार बनाने तो पहला उन्होंने लोगों के नाल अजिहे वादे किए सन कि उन्होंने मुफ्त सहूलत देणगे, जिन्हों के कारण भी श्रीलंका यह आर्थिक संकट के आ गया। अजिहा COVID-19 की महामारी तो कुछ महीने पहले ही होया सी, इसने भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को थले सट दिता सी। कोविड के दौरान श्रीलंका की जिहड़ी टूरिस्टों इनकम आउंदी है उसनू भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सी क्योंकि कोविड के दौरान इतने कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहा सी। इस दे नाल ही रेमिडन दे विच भी कमी आई है। रेमिडन उसनू कहा जाता है जिहड़े विदेशों दे विच नागरिक अपने देश दे विच पैसा भेजते हैं। इस तो बिना क्रेडिट एजेंसियां ने भी श्रीलंका की रेटिंग घटा दी और उसनू दूजे पूंजी बाजारों तो बाहर कर दिता। इन्हां सारिया चीजों का भार श्रीलंका की लोन मैनेजमेंट के उपर भी पिया जिहड़ी कि उन्होंने बाजारों के उपर निर्भर सी। उन्हां दा विदेशी मुद्रा भंडार 2 सालों के 70% तक थले डिग गया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के डिगते तंबू के आखिरी कैल उतों की सरकार के एक फैसले ने लगा दिता। श्रीलंका की सरकार ने 2021 के सारे कैमिकल फर्टिलाइजरों के उपर पाबंदी लगा दी, हालांकि उन्होंने अपने फैसले को बाद बदल भी दिता सी। इस श्रीलंका की खेती प्रभावित हुई है। श्रीलंका के सब तो ज्यादा जरूरी मनी जाती झोने की फसल के उत्पादन के भी गिरावट आई। सरकार लोगों की मुढ़लिया जरूरतों को पूरे करने के असफल हो रही थी। दुध डीजल पेट्रोल और खाद पदार्थ इन्ने महंगे हो रहे सन कि आम लोगों की पहुंच तो बाहर हो गए सन। कदे टूरिस्ट लई मशहूर यह आईलैंड हुण आर्थिक तौर पर पूरी तरह तबाह हो चुका है।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 2.31 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 17,000 ਕਰੋੜ ਬਚੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਾਲ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਖਰਚਾ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹਨ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹਜੇ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।